ओके सो भाई सेल सीजन हैज स्टार्टेड और भाई फाइनली यहाँ पे रात को 12 बजे सेल लग चुकी है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे वाली और अमेज़न के ऊपर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वाली। और हमने सोचा भाई क्यों ना कुछ सामान लिया जाए, और भाई सारे लोग ना बकबक बहुत करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं लेते, तो मैंने सोचा नहीं भाई तुम्हारा भाई तो हमेशा लेता है, हर साल हमने लिया कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए और दिखाने के लिए भाई सेल में कुछ क्या पता किया। तो न्यारे डब्बों के अंदर पता चले भाई आईफोन का डब्बा दे दिया और खोला तो भाई हार्ट अटैक। तो ये चीज चेक करने के लिए हमने खुद भाई ऑर्डर करा है यहाँ पे आईफोन 15 फाइनली। और भाई साहब ऑर्डर एक्सपीरियंस हमेशा की तरह इस बार भी भाई वही था टेढ़ा मेढ़ा। अगर आप लोग लैपटॉप से सोच रहे थे ऑर्डर करने की तो भाई आप भूल जाओ, लैपटॉप तो ऑर्डर हो ही नहीं रहा था, मतलब ना इसमें ज्यादा एरर इश्यूज आ रहे थे। और वही सेम चीज अगर आप लोग मोबाइल से ट्राई करते हो तो मोबाइल से इजीली हो जाती है, तो यहाँ पे भाई ऑब्वियसली हमने भाई मोबाइल से ही ट्राई करा और मोबाइल के अंदर भी हो रहा था वही सेम चीज, भाई दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी। बट हम लोग बात करेंगे हमने कैसे लिया, कौन सा लिया और आपको क्या अभी लेना चाहिए, क्या रेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा और कौन सी डील्स हैं जो आईफोन के अंदर इस टाइम पर बहुत तगड़ी है। बिकॉज मैं ना पहले स्केप्टिकल था कि भाई कितनी डील्स आएंगी मैकबुक्स के ऊपर, आईपैड्स के ऊपर, आईफोन के ऊपर, कितने के हमें एक्चुअली मिलेंगे, क्योंकि दिखाते कुछ है मिलता कुछ है ना, हाथी दिखाने कुछ और खाने कुछ और अलग सीन हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा भाई फाइनली अब बनाते हैं जब सेल लाइव हो गई है ताकि हमें पता रहे कि एक्चुअल डिस्काउंट कितना मिलेगा एक नॉर्मल कंज्यूमर को। और अगर आप लोग अभी भी इस टाइम पर फ्लिपकार्ट पे देखते हो ना आपको बैनर के अंदर ना रेट जो थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा, 499 रुपए उन्होंने करीब बढ़ा दिए हैं। कल ये 49,999 रुपीज था, बट यहाँ पे अगर आप अभी देखते हो तो भाई ऑब्वियसली रेट बढ़ चुका है। अगर हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे अगर अपना वेरियंट सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो यहाँ पे जो हमारे को एक्चुअल रेट अभी फोन का आ रहा है वो है भाई 54,999, तो ये रेट भी बढ़ चुका है लेकिन रात को और बढ़ गया था, ये रात को 55,499 करीब चला गया था, 500 रुपए पता नहीं क्यों बढ़ा दिए थे। खैर उसके बाद अगर आप लोग अभी नीचे आते हो गेट एट इसमें बेस्ट डील जो है वो मेरे पास आ रही है इस टाइम पर 52,249 की, और वो इसलिए मेरे पास इतनी आ रही है क्योंकि मैं एक आईफोन 15 ले चुका हूं, मैंने अपने सुपर कॉइन्स यूज कर लिए हैं, मेरे पास बचे नहीं थे कुछ और साथ ही में जो बैंक डिस्काउंट था वो मैंने अवेल कर लिया है। और अगर आप लोग मेरा वाला फोन देखोगे तो मैंने यहाँ पे आईफोन 15 ब्लू ऑर्डर करा है 128 GB 54,647 रुपीज का, और इसके हमारे को 500 रुपए के जो सुपर कॉइन्स है वो भी हमने लगा लिए थे, जिस वजह से इसका रेट थोड़ा और कम हो गया था। बाकी मेरे को 2700 रुपए करीब का डिस्काउंट आएगा एक्सिस के ऊपर मेरे बैंक अकाउंट ब्लैक क्रेडिट कार्ड में वापस, बेसिकली कैशबैक जिसे आप लोग कहते हो। तो ये मेरे को फोन अराउंड 52,000 का ही पड़ा है, ऑलमोस्ट 52,000 पिछले साल की तरह ही मेरे को पड़ा। आईफोन 14 हमने पिछले साल भी 52,000 लिया था, पिछले साल मैं मानूंगा कि भसड़ ज्यादा थी उस टाइम पर ना, कुछ हाइप भी अलग थी इस साल के मुकाबले, और पता नहीं पिछले साल कुछ एक अलग हुआ भी था क्योंकि वो लोग ना हर सेकंड में 500 रुपए बढ़ा रहे थे। फोन का प्राइसिंग स्टार्ट हुई थी 4899 से पिछले साल और पैसे बढ़ाते जा रहे थे 500 500, बट इस बार फोन स्टेबल है पिछले साल के मुकाबले में, और इस वजह से थोड़ा सा अगर आप लोग अभी लेने का प्लान कर रहे हो, अगर है दिमाग में, तो आप अभी भी उसको काइंड ऑफ इसी रेट पे उठा सकते हो। अगर आपको सुपर कॉइन्स हैं, अगर आपका एक्सेप्ट कार्ड है, तो आपको अराउंड 52-51 तक में फोन मिल जाएगा। और अगर आप लोग एक्सचेंज कर रहे हो तो भाई उसके ऊपर 3,000 रुपए का बोनस और मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात मेरे को इस बार फ्लिपकार्ट की ये लगी है कि भाई लोगों को ज्यादातर ऑर्डर मिल भी रहे हैं और ऑर्डर कैंसिल भी नहीं हुए। सेकंड पॉइंट ये है कि क्या कहते हैं आपको कलर्स भी सारे अवेलेबल अभी तक भी हैं, तो पिछले साल क्या होता भाई कलर्स की अवेलेबिलिटी भी खत्म हो गई थी। अब देखो वाला आईफोन 15 जो है दिखने में तो काफी ज्यादा बढ़िया है और मॉडर्न भी मस्त लगेगा, साथ ही में आपको स्क्रीन भी अच्छी मिल जाती है, इसमें भी आपको डायनेमिक पिल मिलती है तो दिखने में थोड़ा सा मॉडर्न ही है, ऐसा 16 से ज्यादा कंपैरिजन में अगर आप करोगे तो दिक्कत आएगी। बट एक चीज बताता हूं, अगर आपका भाई फोन है जैसे आप आईफोन यूज करोगे उसमें लॉक लग जाता है और आपको याद नहीं आ रहा भाई वो स्क्रीन लॉक क्या है, और ये भी हो सकता है आपके छोटे भाई ने आपके फोन में लॉक लगा दिया, आपको नहीं पता भाई, आपको नहीं बता रहे क्या लॉक है। एंड आप लोग इसको भाई काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो वंडरशेड डॉक्टर फोन की मदद से, और चाहे आपके पास एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन ये दोनों में काम करता है। वैसे मैंने डायरेक्ट इंस्टॉलेशन लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर आपके फोन में भाई लॉक लगा हुआ है ना आप ये वाले स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका फोन इजीली कुछ स्टेप्स के अंदर ही खुल जाएगा। और ये डॉक्टर फोन वंडरशेड की मदद से और भी काफी सारी चीजें कर सकता है, जैसे कि फेक जीपीएस लोकेशन और भी काफी सारी चीजों के अंदर ये आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप लोग अभी से इंस्टॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ये कुछ सीन था हमारे आईफोन 15 का, बट अगर आपको भाई इतना पैसा स्पेंड नहीं करना, आपका बजट थोड़ा कम है, तो आप लोग ले सकते हो भाई यहाँ पे आईफोन 13 जो अमेज़न पे अवेलेबल है। और ये वाला जो स्मार्टफोन है आईफोन 13 ये 40,000 रुपए आपको मिलेगा। अब इसके अंदर वैसे तो अमेज़न ने हमें बताया कि भाई 2500 रुपए का आपको SBI के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा। अगर मैं अपने कार्ड्स पे चेक कर रहा हूं ना तो मेरे को भाई जो डिस्काउंट है वो भाई ये 1250 का रहा है फुल पेमेंट पे, और अगर मैं EMI करता हूं तो मेरे को 2000 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है, और अगर मैं अमेज़न के ICICI वाले कार्ड से अगर पे करता हूं तो मेरे को 2099 का कैशबैक आएगा फुल पेमेंट पे। अगर आप देखोगे तो 2500 रुपए का हमारे यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से फोन अराउंड 40,000 का ही आपको पड़ेगा, उससे कम में नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोग एक्सचेंज करते हो फोन तो आपको वहाँ पे 3500 रुपए का और ऑफ मिल जाएगा, जिस वजह से फोन की वैल्यू ठीक हो जाएगी। बट देखो यार ये चीज ना आप आईफोन 13 के साथ ये देखना कि ये भाई 3 जनरेशन पुराना हो चुका है ये फोन, तो इसको लेना या नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बोलूंगा देखो रिकमेंड करूंगी आप लोग ले सकते हो, इस प्राइस के अंदर ही काफी ज्यादा तगड़ा है। अगर आपको लाइक इस रेट में एक्सचेंज करने के बाद 32-31 तक में मिल जाए तो भाई ऐसी डील आप लोगों को जल्दी से किसी स्मार्टफोन में मिलेगी। नेक्स्ट हमारे भाई बड़े मॉडल्स है पिछले साल के प्रो सीरीज के अंदर, तो अगर आपको भाई अगर प्रो सीरीज लेने का हमेशा शौक रहा है तो भाई ये राइट टाइम है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा तगड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं 15 प्रो सीरीज के ऊपर। अगर बात करें 15 प्रो नॉर्मल वेरिएंट की, ये वाला फोन वैसे महंगा रहता है, 1,20 के अराउंड आया था, लेकिन ये सेल प्राइस के अंदर 1,00,000 रुपए का होगा तो 20,000 रुपए वहाँ पे डिस्काउंट हमारे को मिल चुका है, बट आप लोग इसके ऊपर और डिस्काउंट ले सकते हो, तो भाई 1,000 रुपए का और ऑफ मिल जाएगा अगर आपका सुपर कॉइन्स है, ठीक है। 99 का पड़ेगा फिर हमारे को फोन, और अगर इसको हम देखें तो गेट एट 9499 यहाँ पे मेरे को HDFC क्रेडिट कार्ड के ऊपर 5,000 रुपए का और ऑफ मिल जाएगा, और इस वजह से इस फोन का रेट अराउंड 95,000 हो जाएगा। और अगर आप लोग एक्सचेंज करते हो तो और सस्ता हो सकता है फोन, तो इस टाइम पर भाई ये फोन लेना मेरे हिसाब से भाई वैल्यू
वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप प्रो सीरीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भाई आप लोग पुराने साल के प्रो सीरीज ले रहे हो, आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं क्योंकि आपको सस्ते मिल जाती है, नई चीज तो ज्यादा अच्छी रहती है। बाकी 15 प्रो मैक्स के ऊपर भी सेम डील ही है और मैंने चेक करा था वो भी सही रेट पर आ रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा मैकबुक है जो कि भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है बहुत से लोगों के लिए, स्टूडेंट अगर आप लोग, तो यहाँ पे इसके ऊपर भाई काफी ज्यादा तगड़ा डिस्काउंट आया। अभी इस टाइम पर 74990 का है जो कि काफी एक अच्छा रेट है वैसे ही इसका ऑलरेडी, ठीक है। और इसके ऊपर आप लोग 1000 रुपए सुपर कॉइन देकर और ऑफ ले सकते हो। बट ये भाई अगर आप लोग इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड लगाते हो तो 71990 का है भाई साहब, मतलब ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रेट है। 72000 के अंदर आपको एक ऐसा लैपटॉप मिल रहा है। बट हमारे को फ्लिपकार्ट ने बताया था कि इसका रेट 70000 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, थोड़े अर्ली बर्ड वाली जो डील्स होती है उनमें निकल गया होगा वाला, बट अब तो रेट महंगा हो चुका है। और अगर आप अभी लेते हो तो 72000 रुपीज का आप लोगों को ये मैकबुक एयर M2 पड़ेगा। एक आप रिलायबल लैपटॉप चाहते हो ना तो आप लोग ये वाला मैकबुक एयर M2 जरूर से ट्राई कर सकते हो, ये बढ़िया चीज है। तो भाई ये थे कुछ हमारे काफी ज्यादा तगड़े डील्स फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, जो हमारे को लगी, जो आपको बतानी चाहिए आईफोन एंड मैकबुक से रिलेटेड। बाकी अगर आप लोग आईपैड भी चाहिए तो आईपैड के ऊपर भी डील है, बट ना मेरे को उधर ज्यादा कुछ डिस्काउंट नहीं मिला है बड़ा, जब आप लोग बताओ आईपैड 9 के अंदर आया, बट आईपैड 9 काफी पुराना हो गया, मैंने उसको इंक्लूड नहीं करा। तो बस यार यही था, अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई वीडियो लाइक कर सकते हो, अगर आपने लिया इस बार कुछ सेल के अंदर तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बस यही थी वीडियो, पसंद आई लाइक कर दो और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइस बाय बाय।